तो दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नई शिक्षक भर्ती को लेकर लेटेस्ट अपडेट क्या है और बात होगी यूपी टेट सी टेट नोटिफिकेशन 2024 लेटेस्ट अपडेट के बारे में। तो आज हमारी तारीख हो चुकी है 4 सितंबर 2024 और आपको पता है कि 68,500 शिक्षक भर्ती में जो सीटें रिक्त थी उसको लेकर जो 27,000 सीटें बची थी तो मामला सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर से जा चुका है, तो मामला फिर से एक बार फंस सकता है। पूरी अपडेट हम इस वीडियो में आपके सामने रखेंगे। देख सकते हैं यहाँ पर मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया। ठीक है, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक आपको देखना है और देखिए सरकार भैया क्या कह रही है। हमारी 6.5 लाख सरकारी नौकरी दी गई, 3.75 लाख संविदा पर नौकरी दी गई, 2 करोड़ से ज्यादा निजी क्षेत्र एवं, ठीक है, ये सब भाई बात हो रही थी नौकरी की, 5,000 से ज्यादा युवाओं को नियुक्ति पत्र का वितरण हुआ। तो ये सारी बातें यहाँ पर आप देख सकते हैं। रोजगार का उपहार युवाओं के साथ सरकार, मिशन रोजगार, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी बातें हम देखेंगे। लेकिन एक और बड़ी खबर आती है पश्चिम बंगाल से, रेपिस्ट को मौत की सजा, रेप पीड़िता की मौत या कोमा में जाने पर मौत की सजा होगी। ठीक है, ये बड़ी खबर है। और उसके बाद देखिए, सिपाही भर्ती को जल्द पूरा कराने की कसरत शुरू हो चुकी है और रेलवे में 11,558 पदों पर होगी बहाली, 14 सितंबर से 13 अक्टूबर तक करें आवेदन। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं डेट आ गई। गणित और विज्ञान के शिक्षकों की भाषा कमजोर, 30% से कम अंक आने पर भी हुए नियुक्ति। ठीक है, बाहरी लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए नियमों में बदलाव किए जाने का आरोप है। कक्षा 6 से 8 में 28 और 9 से 10 में राज्य में 53 शिक्षकों की हुई है नियुक्ति। ठीक है, पूरी बातें यहाँ पर हो रही है दोस्तों। बिहार से अपडेट है ये, 69,000 शिक्षक भर्ती अभ्यर्थियों ने घेरा मंत्री आशीष पटेल का आवास, अभ्यर्थियों ने कहा जल्द नियुक्ति दी जाए, दागे अधिकारी हटाए जाए। तो उसके बाद दोस्तों अब बातें करेंगे हम लोग इस वीडियो में वैकेंसी को लेकर क्या अपडेट है। और दोस्तों सबसे पहले, क्या इस साल जब 2024 में कोई वैकेंसी आएगी यूपी में तो वहां पर सीटेट मान्य होगा कि नहीं? आपको पता होना चाहिए कि बहुत से ऐसे राज्य हैं जहां पर सीटेट मान्य नहीं है, तो क्या यूपी में भी ऐसा हो सकता है कि सीटेट को हटाकर यूपी टेट अनिवार्य कर दिया जाए? जी हाँ दोस्तों, देखिए अब जिन बच्चों का सीटेट क्लियर है वो बच्चे बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि भैया सीटेट को हटा दिया जाए या इसको कैंसिल किया जाए, और लेकिन जिन बच्चों का सिर्फ यूपी टेट क्लियर है वो बच्चे चाहेंगे भैया सीटेट को बाहर कर दिया जाए, इसको इनवैलिड घोषित कर दिया जाए। तो हर तरह के बच्चे रहते हैं, हर तरह की बातें होती हैं। ठीक है, उसके बाद शिक्षा मित्रों को भारत अंक मिलेगा कि नहीं, ये इंपॉर्टेंट बात है। 25 अंक लास्ट वैकेंसी में मिला था इनको, क्या इस बार इसको बढ़ाकर 30 से 35 किया जा सकता है? एक और सवाल होगा आपके मन में, आवेदन की प्रक्रिया कब से? देखिए मामला फंसते जा रहा है, ये वाली वैकेंसी सरकार चाहे तो दे सकती है। 51,112 जब मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था 69,000 शिक्षक भर्ती का, तो यहाँ पर एक बात हुई थी। ठीक है, अब एक और सवाल होगा, इस बार जरा ध्यान दीजिएगा, सभी बच्चे ध्यान देंगे, अगर यूपी टेट का फॉर्म आए तो इस पर भी आप लोग का ध्यान होना चाहिए, क्योंकि 2 साल से यूपी टेट का फॉर्म नहीं आ रहा। कौन कौन सी ईयर यूपी टेट का फॉर्म नहीं आया? यूपी टेट 2022 और यूपी टेट 2023, इन 2 साल में यूपी टेट का फॉर्म नहीं आया, तो आप थोड़ा सा नजर बना के रखिएगा। लेकिन 2024 में यूपी टेट का फॉर्म आएगा, ये अच्छी बात होगी। ठीक है, तो इस बार आने के पूरे चांसेस हैं। शिक्षा सेवा चयन आयोग जो बनना था सब बन चुका है। ठीक है, अध्यक्ष भी हमारे आ चुके हैं, तो अब फॉर्म आना चाहिए। अब नहीं होना चाहिए कि भैया रजिस्ट्रेशन फॉर्म इस साल क्यों नहीं आ रहा। आवेदन के लिए क्या होगी योग्यता? शिक्षक भर्ती में मिनिमम डीएलएड होना चाहिए, उसके साथ टेट होना चाहिए। अब इंपॉर्टेंट ये है कि सीटेट से काम होगा कि नहीं। तो दोस्तों इस बार मामला फंस सकता है, देखते हैं क्या होता है। ठीक है, अगर सीटेट को मौका मिल गया तब तो ठीक है, क्योंकि 2 साल से यूपी टेट नहीं आ रहा है तो बहुत से बच्चों का क्लियर ही नहीं हो पा रहा है ना, दिक्कत यहाँ पर ये भी तो फंस रही है। तो आप लोग नजर बनाए रखिएगा कैसे बनेगी मेरिट शिक्षक भर्ती में, सुपर टेट की पासिंग मार्क क्या है, आवेदन से लेकर नियुक्ति पत्र तक का पूरा प्रोसेस क्या है। देखिए आवेदन सबसे पहले जब होता है शिक्षक भर्ती में टीचर वैकेंसी के लिए, तो समझ लीजिए कैसे होता है। सबसे पहले जो हमारा सुपर टेट का फॉर्म आएगा यूपी में, उसको फिल करने के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन आपकी टेट होगी। अगर आपने टेट नहीं क्लियर किया तो आप फॉर्म फिल नहीं कर पाएंगे। टेट में 200 सीटेट और यूपी टेट दोनों अभी तक वैलिड है यूपी में, अगर उसमें से सीटेट को हटाया जाएगा तो उसकी अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। ठीक है, ये मिनिमम। उसके बाद आप अपना सुपर टेट का फॉर्म फिल कर लेंगे। 150 नंबर का आपका एग्जाम होता है सुपर टेट का,
ठीक है, पेपर आसान नहीं होता, ये ध्यान रखना है। तो 150 में से जो पासिंग मार्क थे पिछली वैकेंसी में 97 नंबर और 90 नंबर थे। जनरल कैटेगरी के बच्चे 97 नंबर पर पास हो रहे थे और आरक्षित वर्ग में 90 नंबर। इससे कम नंबर लाने वाले बच्चे फेल थे। यूपी टेट की पासिंग मार्क या सी टेट की पासिंग मार्क क्या होती है? 90 और 82। तो आप देख सकते हैं कितना बड़ा अंतर आपको देखने को मिला। ठीक है, तो यूपी टेट और सुपर टेट, सुपर टेट जबकि ज्यादा कठिन होता है यूपी टेट से अगर कंपेयर किया जाए तो। लेकिन हाँ, जो बच्चे यूपी टेट या सी टेट का एग्जाम पास कर सकते हैं तो वो बच्चे अच्छे माने जाते हैं और सुपर टेट में आपका कंपटीशन टफ करेंगे। क्या टेट पास होना जरूरी है? जी हाँ दोस्तों, अगर ये नहीं पास है तो फिर कोई मतलब ही नहीं। बैक पेपर छात्र या फेल छात्रों को कैसे मिलेगा मौका? ठीक है, जब तक आपका बैक क्लियर नहीं होता तब तक आपको मौका पहली बार तो मिलने वाला नहीं है, तो इस पर भी आप थोड़ा सा ध्यान देंगे। ठीक है, बाकी सुपर टेट की पासिंग मार्क हमने क्लियर कर दिया, मेरिट कैसे बनेगी वो हमने आपको बता दिया है। ठीक है ना, तो ये सब बातें आप ध्यान में रखेंगे। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा कि शिक्षक भर्ती में हम अपनी एक सीट कैसे कंफर्म करें। क्या हम कोई ऑनलाइन कोचिंग लेकर या ऑफलाइन कोचिंग लेकर अच्छे से पढ़ सकते हैं? देखिए, एक बात याद रखिएगा, सिर्फ आप कोचिंग के भरोसे नहीं रहेंगे। सभी बच्चों से हम एक बात कह रहे हैं, बहुत क्लियर बात कह रहे हैं, अगर आप सिर्फ और सिर्फ कोचिंग के भरोसे रहेंगे तो आपका जो सिलेक्शन का चांस होगा वो 50% होगा। अगर आपने कोचिंग प्लस सेल्फ स्टडी कर दी, ठीक है, तो ये चांस दोस्तों 50% से बढ़कर 100% होगा। अगर आपने तीन चार किताबों का अलग से सहारा लिया और कोचिंग की पूरी पढ़ाई कर ली तब डेफिनेटली आप टीचर बनेंगे। लेकिन आपने सिर्फ या सेल्फ स्टडी कर ली, कोचिंग नहीं लिया, दोनों जरूरी है, एक बात याद रखिएगा, चाहे ऑफलाइन कोचिंग लीजिएगा चाहे ऑनलाइन, ठीक है। और कोचिंग भी बहुत बड़ी वाली नहीं लेना, मैक्सिमम 3 से 4 घंटे वाली कोचिंग आपको लेना है, ठीक है ना, पर डे की। उसके बाद एक दिन में कम से कम आप 8 से 10 घंटे सेल्फ स्टडी करेंगे। मतलब जब वैकेंसी आ जाए ना तो उस समय मान लीजिए आपको कम से कम 1 महीने का समय मिलेगा, वो 1 महीने सिर्फ आपको पढ़ाई में देना है, ठीक है, बिल्कुल पढ़ना ही पढ़ना है और कुछ उस 1 महीने में आपको नहीं करना है। इस बात पर विशेष फोकस करिएगा, क्योंकि आपको बता दें जब लास्ट टाइम वैकेंसी आई थी तो विज्ञापन आया था 5 दिसंबर के आसपास 2018 में, एग्जाम हुआ था इन बच्चों का 6 जनवरी 2019। डेट थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है लेकिन कुल मिला के आपको ये समझना है यहाँ पर समय आपको कितना मिला था, मात्र 1 महीने का। 30 दिन में पूरा सिलेबस क्लियर करके अच्छा स्कोर करना था। तो इस तरह आपको पढ़ाई करनी है। अगर वैकेंसी अब की भी आएगी ना तो आप ये मत सोचेगा कि हमको 6 महीने का समय मिलेगा। जी नहीं, नहीं आ रही है तो 6 साल तक नहीं आई कोई बात नहीं, लेकिन वैकेंसी आएगी तो 1 महीने में ही आर पार होगा, ठीक है ना। तो इन सब बातों पर विशेष आप फोकस करेंगे, बाकी जो भी अपडेट आएगी अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। सोशल मीडिया की अफवाह से आपको बचना है और अच्छे से पढ़ाई करनी है। क्या बीएड छात्रों को मौका मिलेगा? यहाँ दोस्तों थोड़ा सा दिक्कत होगा बीएड छात्रों के साथ, प्राइमरी लेवल 1 से 5 में मुश्किल है आपको मौका मिलना, 6 से 8 में आपको मौका मिलेगा अगर कोई वैकेंसी आती है तो। ठीक है, तैयार रहिए शिक्षक भर्ती के लिए, सरकार अगर कोई बड़ा फैसला लेती तो वो हम आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल बड़े बड़ी बातें हो रही हैं यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है, कि नौकरी दी जा रही है, नौकरी दी जा रही है और रेलवे में कुछ वैकेंसी आ रही है, मामला एक बार और कोर्ट में जा रहा है। फिर मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, आपका दिन शुभ हो।